आज के समय में अगर देखा जाए तो बदलती लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक कई सारी गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। साथ ही हमारा बिजी शेड्यूल हमें केवल आगे बढ़ने का संकेत देता है। इसके अलावा हमारे हाथ में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमें अलग अलग डिजिटल दिशा की ओर ले जाते हैं, जो हमारे लिए एक अडल्ट के रूप में सच्चाई है। इसलिए बच्चों के बारे में सोचिए, वो अपने अभिभावकों और जिस माहौल में रहते हैं वहाँ की एनर्जी ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम उन्हें स्कूल भेजते हैं जहाँ उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और वैसे भी हम सभी अपने बच्चों को हद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। इसलिए हम उस टेक्निक पर विचार क्यों नहीं करते जो उन्हें सचेत रखे और दुनिया की सारी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करें। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतर और सुशील बने तो इसके लिए मेडिटेशन एक बेहतरीन तरीका है। ये हमें मौजूदा समय में रहने की शिक्षा देता है, साथ ही ये हमें हमारे सच्चे भाव के साथ जुड़े रहने में मदद करता है। एक रिसर्च का संबंध हमें अपने ध्यान को मौजूदा समय में एकाग्रचित करने से है, जो हमारी बेहतर एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करने और श्रवण शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा मेडिटेशन पर बात करते हुए गुरुजी ईशान शिवानंद मीडिया से बातचीत में कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज, फैमिली और आंतरिक दबाव की दुनिया में बच्चों को अडल्ट जितना ही मेडिटेशन की जरूरत। मेडिटेशन बच्चों में ध्यान विकसित करने, उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखने और ये सिखाने कि कैसे अपने अंदर और बाहर ध्यान देना है, इसमें मदद करता है। वो उनमें केंद्र का भाव उत्पन्न करता है। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।